फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज है मंडे और कल है हमारा ओडिशा फेमस रथ यात्रा यानी कि कार फेस्टिवल। एक मोस्ट फेमस फेस्टिवल है कल, गुंडीचा यात्रा बोलते हम लोग उड़िया में। और वो फेस्टिवल पूरा वर्ल्ड में फेमस है। वर्ल्ड से कहाँ कहाँ लोग आते हैं कल के दिन के लिए। पूरी उड़ीसा में पूरी जगन्नाथ धाम जो हमारा होता है, पर इस बार अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है। पर कल का दिन सोच कर ही खुश हो जाती हूँ कि कल गुंडीचा यात्रा है, कार फेस्टिवल है। और कितना हम लोग यहाँ पे भी बेंगलोर पे भी सरजापुर रोड में जगन्नाथ का टेम्पल है और हम लोग वो मंदिर में मिनिमम एक दो महीने में एक बार हम लोग जरूर जाते थे वो मंदिर में। और वहाँ पे भी आप पहले से बोल के रखो तो प्रसाद भी मिलता है, अन्न का प्रसाद, दाल, हमारा जो महाप्रसाद बोलते हैं वो मिलता है उधर। अभी तो नहीं जा पाएंगे इस साल, ठीक है कोई बात नहीं, पर अच्छे से तो सोच कर तो एंजॉय करेंगे और घर में अच्छे से पूजा पूजा करेंगे। इस साल तो उड़ीसा में भी लोग अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे कार फेस्टिवल को। उड़ीसा में क्या, हाँ वाल में जो जो लोग आते थे, टूरिस्ट आते थे, वो लोग भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे इस साल। होप सब कुछ अच्छा हो जाएंगे, जगन्नाथ सब अच्छा कर दे, यही हम प्रे कर सकते हैं। तो एक अलग सा फीलिंग्स आता है जब जगन्नाथ का नाम सुनते हैं ना, तो अलग सा फीलिंग्स आता है। और अभी मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में मैं आज बनाऊंगी पोहा। पोहा भी बहुत दिन से नहीं बनाई थी तो आज पोहा बनाऊंगी, कांदा पोहा बनाऊंगी। तो प्याज डाल के थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में प्याज दूंगी, हरी मिर्च और कांदा पोहा, बहुत अच्छा लगेगा। और इसके साथ जाएगा अदरक वाला चाय। अदरक वाला चाय मुझे बहुत पसंद है और उनको पसंद है ग्रीन टी। तो जब वो रहते हैं तो मेरे पसंद का ही बनता है अदरक वाला चाय। और मैं सुबह सुबह तो बोली थी मैं ग्रीन टी कभी भी नहीं पीती हूँ, शाम को हाँ पी लेती हूँ ग्रीन टी, क्योंकि शाम का ओके, पर सुबह सुबह ना मेरा मुंह का टेस्ट मैं खराब नहीं करना चाहती हूँ। और इसके साथ तो ग्रीन टी कभी भी नहीं बनाऊंगी, इसके साथ पोहा के साथ तो अदरक वाले चाय ही बनाऊंगी। आज मैं बनाई हूँ दो चोटी और मेरी बेटी बोले मम्मा बहुत ही क्यूट लग रही है उसमें। मैं कभी कभी बनाती हूँ दो चोटी, मुझे इस टाइप का दो चोटी बहुत पसंद है। बाहर नहीं जाती हूँ बनाकर, नहीं तो लोग हंसेंगे, पर घर में रहती हूँ तो बना लेती हूँ। मेरा भी बोलते बाहर भी जाओ अच्छा लग रहे हो, पर मैं बाहर नहीं जाती हूँ, घर में पर मैं बना लेती हूँ दो चोटी। और मेरी बेटी को भी बोली तू भी आज दो चोटी बन तो अच्छा लगेगा। और प्लीज बोलिए ना मैं कैसे लग रही हूँ, तो देखती हूँ आज दिन भर रखू या निकाल दू मालूम नहीं। चलिए बनाते भी। तेल डाल दूंगी फर्स्ट कढ़ाई में। पोहा का रेसिपी तो मैं शेयर की थी, फिर भी और एक बार शेयर कर देती हूँ, क्योंकि वो जब मैं नया नया चैनल खोली थी तब मैं शायद डाली थी। अब डालूंगी इसमें मस्टर्ड, सरसों, ड्राई रेड चिली दो, फिर मूंगफली, अब डालूंगी ग्रीन चिली और करी पत्ता। अब डालेंगे इसमें प्याज। नमक डाल दूंगी और डालूंगी हल्दी। डाल के अब इसको अच्छे से फ्राई करना है। अब मैं डालूंगी इसमें भिगोए हुए पोहा। पानी को मैं अच्छे से ड्रेन कर दिया था, अच्छे से पानी को ड्रेन कर देंगे तो ये खिला खिला बनता है। और यहाँ पे बापू हाई कर रहा है, पोहा बन रहा है, पोहा पोहा ओके। अब मैं इसमें थोड़ा सा और नमक डालूंगी। अब ढक दूंगी। अब इसमें एक स्पून लेमन जूस डाल देंगे, अच्छे से मिला देंगे पोहा को। हो गया हमारा पोहा, बस और आधा मिनट इसे मिला के मैं बंद कर दूंगी गैस। चाय भी हो गया। Thank you.
कांदा पोहा के साथ अदरक वाला चाय, मस्त मस्त। बाबू ने आने ने तू चलो धीरे लो धीरे लो अंदर धीरे लो। अब बनाऊंगी मैं लंच और आज लंच में बहुत सिंपल सा बनेगा, डालमा चावल और आलू चोखा और मैंगो जो लेकर आए वो तो खाएंगे। आज सिंपल खाने का मन किया तो हबीबी है घर पे तो बोले आज ऐसा ही बना दो और आज घर का पूरा हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं। झाड़ू पोछा तो नीचे तो हो जाता है पर ऊपर का डस्टिंग का जो जैसे फैन और लाइट आ रहे लाइट को ऐसे डस्टिंग करना वो हबी करते क्योंकि मेरा हाथ ऊपर नहीं आता, वो उनको जब टाइम मिलता है महीने में एक दो बार वो कर लेते हैं। और आज मैं मेरा फ्रिज को फिर से किचन में शिफ्ट करूंगी क्योंकि लॉकडाउन में 2 महीना मेरी हाउस हेल्प पर नहीं आती थी तो मैं मेरा फ्रिज को शिफ्ट कर दिया था तो मुझे यहाँ पे किचन में थोड़ा स्पेस मिलता था। तो अब तो वो आ गई है तो उसको भी प्रॉब्लम होता है वहां पे बैठ कर करने में क्योंकि फ्रिज रहते तो थोड़ा स्पेस कम हो जाता है। तो हबी को बोला चलो यहाँ पे लेकर आ जाते तो आज उसको लेकर आएंगे। फिर लेकर आने के बाद इसको फिर अच्छे से क्लीन क्लीन करूंगी, आज बहुत सारा काम है इसलिए लंच में फटाफट बनाऊंगी। लंच और काम दोनों एक साथ में ही करूंगी। आज हबी का ही ज्यादा काम है बस मुझे उनको हेल्प करना है और खाना तो मैं बनाऊंगी। और ये आ गए हबी मिस्टर मसल मेरा हाउस का जो मेरे पूरा घर का जो ऊपर का डस्टिंग फैन लाइट का क्लीनिंग करते हैं ये मिस्टर मसल। हाथ हाथ बटाओगे तो होगा। हाँ हाथ बटा दू मैं कभी नहीं बटा तुम कर लेते हो हाथ बटाती हूँ। चलो अरे बात कम और काम मिशन सब और हम लग जाते हैं आप मिशन पे
इला पप्पा इला पप्पा इला मम्मर इला दीदीर सर चिल्ली अच्छे चल खाई दूध बड़ा ना सरूप बेबीटा हूँ सायन आज उसको ऐसे खिलाना पड़ रहा है और खा लो गुड बॉय। हम लोग बचपन में भी खाते थे ना ऐसे पापा का मम्मा का दीदी का जितना घर का है खानदान का सारे खाने एक एक मम्मी मेरे लड्डू बना बना के देते थे और हम लोग खाते थे तो मैं भी कभी कभी ऐसे करती हूँ उसके लिए खा लो। और आज हमारा लंच भी फिनिश हुआ बस इसका ही है ये बोल रहा था और नहीं खाऊंगी तो मैं उसको ऐसे ही बना के कभी कभी दे देती हूँ और अब थोड़ा रेस्ट करके फिर से लग जाएंगे घर का काम का क्योंकि आज जितना होगा हम लोग 10 दिन करेंगे ज्यादा तो गंदा नहीं है फिर भी तो फैन को मैं नहीं कर पाती सब अभी फ्रीज हो गया फ्रीज का क्लीन हो गया यूटिलिटी को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है बस अब फैन हो जाएगा तो कम्प्लीट हो जाएगा और भी काम है और भी क्या है लाइट झूमर वो तो मिनिमम 3-4 दिन लगेगा झूमर वो सब आज नहीं करेंगे और 1 दिन करेंगे 1 घंटा तो लग जाएगा सारे फैन को क्लीन करने में तो इतना करेंगे फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे फिर रात को फिर खाना और क्या चलिए जब फिर हम फैन साफ करेंगे तब होगा तो दिखाऊंगी आपको फिर चलिए फिर अभी उठेंगे बच्चे भी खाना हो गया बस इसका ही बैठा है हम उठ जाएंगे जब चले जाएंगे हस्बैंड और वाइफ काम करने के लिए चलो चलो मिस्टर फसल चलो, चलो। ये तो मुझे आज ऐसे खींच रहे ऐसे खींच रहे उनसे ज्यादा काम नहीं कर रहा हूँ चलो तुम लोग उठ के आ जाओ ठीक है काम करके मजा आ रहा है मजा आ रहा है लॉकडाउन में 2 महीने मगरमच्छ की तरह सोकर कैसा लगा आपको कैसा लगा कैसा फील हो रहा है प्राउड फील हो रहा है पहले कर लेना चाहिए था बहुत मेला निकल रहा है बहुत मेला निकल दिखाओ दिखाती दिखाती ये रहा हमारा फैन का हालत ये तो एक फैन का है ये तो एक फैन का है और भी सारे रूम का फैन निकालेंगे तो कितना मेला निकलेगा ये फोटो को भी दिखाती हूँ मैं कभी दिखाई नहीं शायद ना ये फोटो ना दिखाई थी ये हमारा फोटो और ये रहा हमारा शादी के टाइम का फोटो मैं भी बेड के ऊपर आ गई हूँ फोटो दिखाने के लिए शायद मैं कभी दिखाई नहीं होगी ये फोटो को अच्छे से दिखा देती हूँ ये मेरा बनारसी का साड़ी मैं एक बार मेरा साड़ी का कलेक्शन भी दिखाऊंगी आधा मेरे पास है और आधा तो घर पे मम्मी के पास ही मैं रखकर आ जाती हूँ क्योंकि मैं ज्यादा पहनती नहीं हूँ ऐसे हैवी वाला साड़ी ये मेरी बनारसी का साड़ी है मेरे तो शादी में मेरे रिसेप्शन में और मैरिज में दोनों भी मेरा बनारसी ही था तब ये बहुत फैंसी में आया था ये बनारस का साड़ी और ये हूँ मैं कितने पतले थे तब मैं और मैं भी कितना पतला था हाँ और तुम भी बहुत पतले थे अभी तो पेट निकल गया अब सबका तो पेट एज होते होते तो निकल जाते हैं और मेरे मैं मम्मी होने की खुशी में मेरा पेट निकल गया और तुम पापा होने की खुशी में ना तब तो कितने पतले पतले थे नहीं तो एज भी कम था और अब तो मोटे हो गए क्योंकि अभी मैं तो मम्मी बन गई 2 बच्चे की और ये पापा बन गए इसलिए दोनों ही मोटे हो गए खुशी से मम्मी पापा बनने के बाद एंजॉयिंग एवरी फेज ऑफ लाइफ यस और okay. एक दिन आएंगे बुड्ढा बुड्ढी भी हो जाएंगे तब भी अगर मैं ब्लॉग मेरे कंटिन्यू करूंगी तो वो भी दिखाऊंगी लेकिन ये फोटो तो तब भी दिखाएंगे ये फोटो तो रहेगा चलिए और 20 साल के बाद फिर कैसे लगेगा फिर दिखाऊंगी अभी शादी का 16 साल हुआ ना 15 साल 16th year फिर 15 कम्प्लीट 16th रनिंग सारे चीज भूल जाते हैं और एक साल किसके साथ शादी किए थे क्या मैं फास्ट हूँ अच्छा ये फेस मैचिंग है क्या हाँ मैचिंग होगा तब मुझे हुआ था 20 साल 20 साल कम्प्लीट हुआ था मैं शादी की थी अब तो ये तो बहुत क्यूट लग रहा है
हम लोग जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, 20 इयर्स हुआ था मुझे, शादी हो गया मेरा, और इनका भी जल्दी शादी हो गया था। तुमको कब कितना एज हुआ था? 25 ना, हाँ मुझसे तो 5 साल बड़े हैं, 5 साल भी नहीं, 5 साल से 4 साल 6 महीना ना तुम बड़े हो ना मुझसे, ना कितना 7 महीना कितने बड़े हो मुझसे, 4 साल 7 महीना ना, 4 साल 9 महीना ओ तो लगभग 5 साल, ये मुझसे 5 साल बड़े हैं। और ये है मिस्टर हबी, इतना इनोसेंट फेस था इनका। और ये है रश्मि द ब्लॉगर, उसका न्यू लाइफ स्टार्ट कर रही थी तब। स्प्रे दे दो तुम्हारा वाला। हाँ ठीक है दे दे, ये लो ले। और अब हो रहा है बारिश, बहुत जोर से बारिश हो रहा है। अच्छा हुआ बच्चे सो गए, नहीं तो मेरा बेटा भी आ जाता यहाँ पे बारिश में भीगने के लिए। और मैं चोटी भी खोल दी क्योंकि बारिश में ऐसे चोटी भिगोना मुझे बहुत पसंद है। और आज मेरे मनी प्लांट को भी अच्छे से पानी मिलेगा, जितना भी हम लोग पानी देते हैं ना, पर बारिश का पानी इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। वाओ और मैं यहाँ ऊपर बैठ गई हूँ क्योंकि और बहुत अच्छा लगता है इस टाइप का बारिश में खेलना, और थोड़ा थोड़ा छींटे मुंह पे गिरना मस्त लग रहा है, मस्त। और किस किस को पसंद है बारिश में से खेलना? ज्यादा नहीं जाती हूँ, ज्यादा जाऊंगी बारिश में तो कोल्ड हो जाएगा, ऐसे ही थोड़ा मजा लेंगे बारिश में। मेरा ड्रेस भी आधा गीला हो गया है, बारिश में भीगने का मजा ही कुछ अलग है, ड्रेस तो चेंज हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ। और आज ब्लॉग एंड करने के लिए इतना अच्छा मौका फिर मुझे कब मिलेगा मालूम नहीं, क्योंकि बारिश हो रहा है और मैं मेरी ब्लॉग एंड करूँगी इतना नेचुरल सा व्यू में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।